डीएम और एसपी में क्या अंतर होता है? जी नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएम और एसपी में क्या अंतर होते हैं, कोई भी व्यक्ति डीएम या एसपी कैसे बन सकते हैं, जो डीएम होते हैं या फिर एसपी होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, और जो डीएम होते हैं और एसपी होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, यानी कि किन किन क्षेत्रों में ये कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे चैनल पर जितने भी नए वीडियो जाएं सबकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियोस के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डीएम की। डीएम जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। दोस्तों कलेक्टर का पावर भी डीएम के पास ही होता है, और दोस्तों डीएम को हिंदी में जिला अधिकारी भी कहा जाता है। दोस्तों डीएम का जो मुख्य कार्य होता है वो अपने जिले में सभी विभाग को मेंटेन करना, यानी कि जिले में जितने भी विभाग होते हैं उन सभी को सही ढंग से चलाना, उन्हें सही ढंग से मेंटेन करना, इसकी जिम्मेवारी जो होती है वो डीएम के पास होती है। दोस्तों जो डीएम होते हैं वो जिला के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, ठीक है। जिले के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सही ढंग से काम करें, सही ढंग से चले, इसकी जिम्मेवारी जो होती है वो डीएम की होती है। वही अगर बात करें एसपी की, तो दोस्तों एसपी का फुल फॉर्म होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और दोस्तों एसपी का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जिले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी कि जिले के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को सही ढंग से चलाने की जो जिम्मेवारी होती है वो एसपी की होती है। दोस्तों वही अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति डीएम या फिर एसपी कैसे बन सकते हैं, तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को डीएम बनने के लिए यह आवश्यक है कि वो यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विस के थ्रू आईएएस का एग्जाम पास करे, यानी कि आईएएस बन जाए, ठीक है, और उसके बाद ही वो डीएम बन सकते हैं। वहीं अगर बात करें, अगर कोई व्यक्ति एसपी बनना चाहता है तो इसके लिए भी आवश्यक है कि वो व्यक्ति यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विस के थ्रू आईपीएस का एग्जाम पास करे, वो आईपीएस रैंक का अधिकारी बन जाए, उसके बाद ही वो एसपी बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अगर यूपीएससी से पास करता है, यूपीएससी से आईएएस बनता है, तो उसका जो प्रमोशन होता है वो स्टेट सिविल सर्विस वाले से जल्दी होता है, यानी कि फास्टर होता है, ठीक है। और वहीं आईपीएस में भी वही लागू होता है कि अगर कोई यूपीएससी के थ्रू आईपीएस पास करता है तो उसका जो प्रमोशन होता है वो स्टेट सिविल सर्विस वाले से फास्टर होता है, उनसे जल्दी होता है, ठीक है। तो दोस्तों वहीं अगर हम बात करें ड्रेस की, तो दोस्तों डीएम की कोई वर्दी नहीं होती है, उनका कोई स्पेसिफिक ड्रेस नहीं होता है। वहीं अगर बात करें एसपी की, तो दोस्तों एसपी की एक स्पेसिफिक वर्दी होती है, इनका एक ड्रेस होता है जिस पर कि कंधे पर तीन सिंहों की मूर्ति, यानी कि अशोक स्तंभ होता है वो, उसके नीचे स्टार और उसके नीचे में आईपीएस लिखा हुआ होता है। दोस्तों वहीं अगर बात करें इनको मिलने वाली सुविधाओं की, तो दोस्तों डीएम और एसपी दोनों को ही सरकारी स्तर पर सभी सुविधाएं मिली हुई होती हैं। दोस्तों दोनों को ही निजी वाहन मिले हुए होते हैं, जिनमें जो डीएम होते हैं उनके वाहन पर कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ होता है। वहीं अगर बात करें एसपी की, तो एसपी के वाहन पर जो होता है वो नीली पट्टी लगी हुई होती है जिस पर कि एसपी लिखा हुआ होता है। और दोस्तों इन दोनों को ही सरकारी स्तर पर सभी सुविधाएं, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो सभी मिली हुई होती है। तो दोस्तों अगर हम सीधे शब्दों में समझें, तो जो डीएम होते हैं उनका कार्य जिले के अंदर सभी विभाग को मेंटेन करना, उन्हें सही ढंग से चलाने की जो जिम्मेवारी होती है वो डीएम की होती है। और दोस्तों जो एसपी होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से चलाना, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक वीडियो बनाऊं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।